हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त आपको बड़ी खबर दे दें, पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ा है। जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ा है। जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा और फायरिंग की। सुबह 3:30 बजे से 6:15 बजे के बीच पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय बास्तु जुड़ गए। अजय, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, अगर आज सुबह जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सटा कठुआ जिले का हीरानगर सेक्टर है, वहां पर सुबह करीब 3:30 बजे से 6:15 बजे तक पाकिस्तान ने फायरिंग की है। फायरिंग हैवी फायरिंग की है। रिहायशी इलाकों को टारगेट बनाकर फायरिंग की गई है। अगर क्या बता दूं कि इस इलाके में दरअसल बीएसएफ थोड़ा सीमा के साथ कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, उस कंस्ट्रक्शन के काम से पाकिस्तान को दिक्कत है और इसीलिए फायरिंग की गई थी और इस फायरिंग में रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। हालांकि किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं थी क्योंकि सुबह का समय था और लोग इस समय अमूमन गांव घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन 3 घरों की छतों को थोड़ा नुकसान हुआ है। छतों पर जो पानी की टंकियां लगी होती है उनको नुकसान हुआ है और फिलहाल अब 6:15 बजे के बाद से इस इलाके में कोई फायरिंग रिपोर्ट नहीं हुई है। जी अजय, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अजय बास्तु हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूरी जानकारी दे रहे थे। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक हरकत की है, सीज फायर तोड़ा है पाकिस्तान ने और हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हैवी फायरिंग की गई है, जिस तरह से अजय भी जानकारी दे रहे थे। हालांकि रात को 3:30 बजे से सुबह 6:15 बजे तक ये फायरिंग हुई है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कुछ घरों को जरूर नुकसान पहुंचा है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया पाकिस्तान की तरफ से, घरों को नुकसान पहुंचा है। देखिए, रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान ने टारगेट किया। रात का वक्त था इसलिए बहुत ज्यादा लोग बाहर नहीं थे, इसलिए कोई बड़ी कैजुअल्टी नहीं आई है अभी तक सामने। हाँ, कुछ घरों को नुकसान जरूर पहुंचा है। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।